हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपका कल का थोड़ा सा रिव्यू दे देता हूँ। कल डेल्टा कॉर्प बताया था, आज जरूर 2% भागा है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भागना कोई भागना नहीं है। और जब तक ये आज का जो इसका हाई है 183 इसके ऊपर ना ठहर जाए, तब तक बाइंग करने की मत सोचिए, क्योंकि नीचे के द्वार भी यहाँ पर खुले हुए हैं। अगर नीचे गिरना शुरू हुआ तो अच्छी खासी गिरावट होगी, बट यहाँ पर इसे अगर ये निकाल देता है तो सीधे 35% का रिटर्न हमें यहाँ पर मिलता हुआ नजर आएगा। इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। इसके अलावा टाटा पावर कहा था, टाटा पावर में मैंने आपको ये बताया था कि तेजी हो सकती है, नो डाउट, ओके। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, अगर आपको एक मौका मिलता है और ये शेयर अगर 240 रुपए के आसपास, 238 रुपए, 235 रुपए के आसपास ये आता है, तो बेच के चुपचाप निकल जाइएगा। तेजी के बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। अगर आज की तेजी को देख के आप यहाँ पर भ्रमित हो रहे हो तो बेफालतू में माइंड को एक दिशा में रखिएगा अभी, कि वो अभी मार्केट और गिर सकती है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रख के इसके नीचे के लेवल खुले हुए हैं, ओके। ऊपर के लेवल ऊपर जाके थोड़ा फंसाने की कोशिश करके फिर नीचे आके आ सकता है, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, कल आपको यहाँ पर बताया था। इसके अलावा यहाँ पर ऑयल इंडिया में भी मैंने आपको इसी तरीके की राय देते हुए नजर आया था। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इसमें तेजी बिल्कुल भी नजर नहीं आती, और जैसे ही चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, ओके, इस हिसाब से ये जो वेजेस जो ये चैनल बन रहा था, इसका मतलब सिंपल था कि यहाँ पर गिरावट हो सकती है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ऑयल इंडिया में भी गिरावट के संकेत यहाँ पर नजर आते हैं, और क्रूड जब तक यहाँ पर क्रूड पे ही ये सारा का सारा बेस होता है, क्रूड ऊपर ये ऊपर, क्रूड नीचे ये नीचे, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स थे, यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस की एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से रिलेटेड यहाँ पर वीडियो बनाई थी, जाके देख लीजिएगा। और इसके अलावा कल यहाँ पर वीडियो बनाई थी जिसमें हमने लिखा था कल से मार्केट में होगी तेजी, जहाँ पर निफ्टी 50 स्मॉल कैप मिड कैप सब के रिलेटेड यहाँ पर आपको बताया था, सीधे लिख दिया था साफ। और आज अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक एक करके देख लेते हैं। निफ्टी 50 आपको पता चलेगा कितना, लगभग 1.88% का यहाँ पर जंप था। इसके अलावा हम बात करेंगे, मैं सारा का सारा इसे रिकैप करेंगे और अगले लेवल देखेंगे, बट अभी मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, मिड कैप 3% की यहाँ पर जंप थी, 900 पॉइंट यहाँ पर सीधे यहाँ पर ऐसी जंप देखी गई है। इसके अलावा निफ्टी स्मॉल कैप, ओके, उसे भी यहाँ पर देख लेते हैं। स्मॉल कैप आप देखेंगे तो इधर भी लगभग 3.42% की जंप थी, तो यहाँ पर जो ये जंप देखी गई है, ओके, आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम यहाँ पर बात करें बहुत समय बाद ऐसा यहाँ पर देखा गया है कि इस तरीके की जंप यहाँ पर मार्केट में इस तरह देखी जा रही है। तो यहाँ पर कल आपको यहाँ पर वीडियो बनाया था और आपको सब कुछ यहाँ पर लेवल और सब चीज यहाँ पर दिया गया था। आज दोबारा यहाँ पर देखेंगे, इंडेक्सेस से रिलेटेड यहाँ पर बातें करेंगे, ताकि आपको चीजें थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आती हुई नजर आए। सबसे पहले निफ्टी 50 की बात करें तो जैसे ही कल तो यूएस मार्केट बिल्कुल ही बंद थे, तो उन्हें देखना उनके बेसिस पर कोई भी यहाँ पर एक्टिविटी होती हुई नहीं दिखाई दी। बट यहाँ पर जो यहाँ पर कैंडल बनी थी, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इसे चाहे आप ड्रैगन फ्लाई कह लीजिए, चाहे यहाँ पर इसे हैमर कह लीजिए, ओके, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, तो आपको देखिए हैमर टाइप में बन रहा है। जब भी हैमर बनता है और अगर उसके ऊपर ये चला जाता है, तो याद रखिए एक अच्छी खासी तेजी नजर आती है। तो आज की तेजी लगभग 1.88% की यहाँ पर निफ्टी में थी, बट मिड कैप स्मॉल कैप ने यहाँ पर झंडे गाड़ रखे थे। जो यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर जिन्होंने ले रखे थे, मेरे पास लगभग 50% शेयर मेरे पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप के है, और आधे मेरे पास ब्लू चिप है, और आधे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मिड कैप में नजर आता है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ, आज का पोर्टफोलियो थोड़ा देखने लायक था, अच्छा ना यहाँ पर नजर आ रहा था। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखिए अच्छे खासे तरीके से ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया। देखिए गिरते लेवल पे जो यहाँ पर ये लाइन खींच रखी है, वही लाइन यहाँ पर भागते हुए भी दिखाई देगी। कल मैंने आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताया था, और इसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस टूटने पर वो सपोर्ट बन जाता है और दूसरा रेजिस्टेंस तैयार हो जाता है। इसी तरीके से गिरावट में भी अगर हम बात करते हैं, तो जब यहाँ पर सपोर्ट टूटता है, ओके, तो वो रेजिस्टेंस बन जाता है और सपोर्ट यहाँ पर नीचे आ जाता है। तो सेम अगर हम बात करें, ये गिरावट हो रही थी, ओके, तब यहाँ पर रेजिस्टेंस बार बार चेंज हो रहे थे। पहले ये रेजिस्टेंस था, फिर ये रेजिस्टेंस हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ओके, और ये जो नीचे एक एक इनके जो नीचे थे वो सपोर्ट होते गए, एक एक पायदान वो नीचे आता गया, तो रेजिस्टेंस बन गया, सपोर्ट बन गया। बट अब ऊपर जा रहे हैं तो ऊपर वो ही रेजिस्टेंस है, ओके, और सपोर्ट की बात करें नीचे वही सपोर्ट है। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको यहाँ पर क्या रखना है, ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर ऊपर आज कोशिश करी इसने, भागा, ओके, इस लाइन को क्रॉस करी, मैंने आपको बता दिया था ये इसका एक, सबसे पहले तो ये लेवल जो इसे निकालना है,
ओके okay, और उसके बाद ये लेवल, ये दो लेवल है जो इसके रेजिस्टेंस के हैं। ओके okay, अगर इन दोनों लेवल को निकाल लेता है तो मार्केट में तेजी होती हुई नजर आएगी, जो इसे सीधे 16,157 के आसपास ले जाएगी। आज मार्केट अच्छा खासा था, भागता हुआ नजर आया, 15,638 के आसपास बंद भी हुआ। बट यहाँ पर अगर बात करूँ सपोर्ट की, सपोर्ट एज इट इज बना हुआ है 15,219 के लेवल के आसपास का, जो यहाँ पर इसका लो था। और अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने टच किया, ऊपर भागा, बट यहाँ पर अगर बात करें बंद कहाँ पर हुआ, थोड़ा नीचे आके बंद हुआ। इसने 15,707 तक ऊपर गया था, बट 15,638 पर नीचे आया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर हम बात करें 70-80 पॉइंट यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसका मतलब है कोशिश कर रहा है, धीरे धीरे यहाँ पर कोशिश कर रहा है। अब कल अगर ये इस लेवल को 15,707 के लेवल को अगर निकाल देता है तो यहाँ पर एक तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है, जो इसे सीधे यहाँ पर इस पहले यहाँ पर 15,800 और फिर उसके बाद अगर बात करें रेजिस्टेंस के लिए, ये है मेन। तो ये दो रेजिस्टेंस है, इन दो रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो अच्छी खासी तेजी आगे हम यहाँ पर निफ्टी में, यहाँ पर ओवरऑल मार्केट में यहाँ पर हम देख सकते, नजर आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मिड कैप की। मिड कैप की बात करूं तो मिड कैप यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर, जब परसों यहाँ पर जब वीडियो बनाई थी आपको बताया था कि ये जो दो लेवल है यहाँ पर दिखाई देते हैं सपोर्ट के, यहाँ पर नीचे गिरा था और इसी सपोर्ट को इसने यहाँ पर होल्ड किया। ओके okay, उसके नीचे नहीं आया, टच करके ऊपर भागा। और आज के दिन अगर आप देखेंगे तो आज के दिन यहाँ पर शेयर भागता हुआ नजर आया है और ये क्या है, लगभग 3.56% की मिड कैप में स्मॉल कैप से भी ज्यादा यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आई है। और यहाँ पर एक जो इसका लेवल था उसे भी यहाँ पर क्रॉस किया है, इसने सपोर्ट को भी यहाँ पर क्रॉस कर दिया है। अब इसके लिए जो ये लाइन दिख रही है, ओके okay, ये लाइन इसके लिए क्या है, इसके लिए एक सपोर्ट का काम करेगी। कितना 26,453 की आप बात कर लीजिए, ओके okay, या फिर यहाँ पर ऊपर की बात कर लीजिए 26,600 के आसपास। ये लेवल को अगर क्रॉस करता है तो सीधे यहाँ पर मार्केट जाएगी 28,500 के आसपास, जो कि यहाँ पर दो यहाँ पर रेजिस्टेंस है, इसे क्रॉस करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात इसमें एक कैंडल बन रही है जिसका नाम है मारोबोजू। ओके जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है मारोबोजू, ओके अगर रेड कैंडल बनती है, देखिए यहाँ रेड कैंडल बनी, गिरावट होती हुई नजर आई। और अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है तो तेजी होती है, जैसे यहाँ ग्रीन कैंडल बनी तो तेजी हुई, यहाँ पर देखिए ये ग्रीन कैंडल बनी, ये तेजी हुई ये। तो जब इस तरीके की रेक्टेंगल, एक अगर रेक्टेंगल एक कैंडल बन जाती है, ओके जिसमें यहाँ पर ना तो ज्यादा ऊपर कोई डंडी शेडो निकली होती है ना नीचे, तो उस केसेस में क्या होता है, उस केसेस में अगर ग्रीन कैंडल बनती है तेजी होती है और रेड कैंडल बनती है तो गिरावट होती है। तो यहाँ पर ग्रीन बन रही है तो कल की डेट में अगेन यहाँ पर तेजी देखी जा सकती है। तो यहाँ पर मार्केट में ओवरऑल यहाँ पर अभी बुलिशनेस अभी दिखाई दे सकती है, बट रेजिस्टेंस है, इन रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तभी जाके आप यहाँ पर कन्वीनियंट हो सकते हैं कि तेजी हो रही है। बट अगर ऊपर जाके यहाँ पर नीचे गिरता है तो याद रखिए फिर वही गिरावट दोबारा होती हुई नजर आ सकती है। और फिर जो मैंने आपको लेवल नीचे के बताए हैं, चीजें नीचे आ सकती है राउंडिंग टॉप बना के, ओके और गिरावट अभी 6 महीने और रहती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस चीज को थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा, माइंड को उसके हिसाब से यहाँ पर प्रिपेयर रखिएगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी स्मॉल कैप की। निफ्टी स्मॉल कैप 100 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी देखिए इस एक मारुबोजू ही बनती हुई दिखाई दी है। तो यहाँ पर जब भी इस तरह की कैंडल बनती है तो ऊपर अगेन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ नीचे के लेवल, मैंने आपको बताए थे कि ये लेवल जब परसों वीडियो बनाई थी तो यहाँ पर बताया था कि अगर गिरावट हुई तो अच्छी खासी गिरावट हो सकती है, बट ये यहाँ से ही टच करके ऊपर चला गया जो कि सपोर्ट था, एक बेहतरीन सपोर्ट था। आज की कैंडल एक अच्छी कैंडल बनी है, ओके और यहाँ पर इसे लेवल को निकालना, जो इसका आज का हाई है 8,275 इसके लेवल निकालता है तो सीधे ये शेयर यहाँ पर 8,593 के आसपास पड़ेगा, सीधे भागता हुआ नजर आता हुआ दिखाई देगा। और धीरे धीरे करके जो ये इसके लेवल्स मैंने आपको दे रखे हैं सारे के सारे यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस है, एक एक करके रेजिस्टेंस को यहाँ पर क्रॉस करेगा, सपोर्ट यहाँ पर ये नजर आता है। बट जो कैंडल बनी है मारुबोजू वो सिंपल बताती है कि यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आ सकती है। आप देखिए ये मारुबोजू बना, ये मारुबोजू बना, इससे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें ये मारुबोजू बनता हुआ दिखाई दिया। जब भी ऐसी कैंडल बनती है तेजी होती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप और यहाँ पर निफ्टी 50 में इस तरीके की राय है। अब बात कर लेते हैं दूसरे इंडेक्सेस, निफ्टी आईटी की बात कर लेते हैं। निफ्टी आईटी देख सकते हैं, निफ्टी आईटी के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था ये जो लेवल था, इसने सारे सपोर्ट को तोड़ के नीचे आ गया था और यहाँ पर दो ये स्पिनिंग टॉप ये बनाता हुआ नजर आया था। ओके और जब भी इस तरीके की स्पिनिंग टॉप बनती है, इसे क्रॉस करके लेता है तो यहाँ पर बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहती है,
इंट्राडे के हिसाब से बता कर मैं बात करूं, ये रेजिस्टेंस था, इसने ये रेजिस्टेंस निकाला, रेजिस्टेंस निकालते साथ ये ऊपर चला गया, ओके अब इसके लिए ये सपोर्ट बन गया, और रेजिस्टेंस की बात करूं अगला रेजिस्टेंस ये है, ओके अगर इसे निकाल देता है 28,300 के आसपास का, तो याद रखिए एक तेजी होती दिखाई देगी जो इसे 29,217 तक और धीरे धीरे करके ऊपर के लेवल यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। निफ्टी आईटी में थोड़ा सा बुलिश रही है, क्योंकि ऑलरेडी अगर निफ्टी आईटी की मैं बात करूँ बहुत ज्यादा ये इंडेक्स यहाँ पर 39,000 से यहाँ पर 26,000 आ गया, 13,000 पॉइंट यहाँ पर करेक्ट हुआ, ये एक बड़ी अगर बात करूं बड़ा यहाँ पर दिखाई देता है। निफ्टी बैंक की बात करें, निफ्टी बैंक यहाँ पर देखिए इसके लिए बेहतरीन सपोर्ट बना हुआ था, बार बार ये सपोर्ट नजर आ रहा था, अगर ये टूट जाता, याद रखिए ये सपोर्ट टूट जाता तो ओके यहाँ पर ये डबल टॉप कह सकते हैं, इसे डबल टॉप बन रहा, डबल बॉटम बन रहा था, और डबल बॉटम जब भी बनता है तो अगर गिरावट होती है, ब्रेकडाउन होता है तो बहुत भयंकर गिरावट होती है, बस इसने होल्ड कर लिया, होल्ड करके ऊपर जा रहा है ओके, और जो आज कैंडल बनी है ओके वो एक अगर मैं बात बताऊं यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, और इन्वर्टेड हैमर अगर नीचे बन जाता है ओके, जब इस तरह कैंडल नीचे की तरफ गिरावट के बाद बनती है तो एक तेजी नजर आती है, तो अगर यहाँ से ये कैंडल का हाई जो होता है इसे अगर निकाल देता है तो एक तेजी बनेगी जो इसका रेजिस्टेंस तक ले जाएगी, सबसे पहले 33,952 और इसे भी क्रॉस कर देता है तो सीधे यहाँ पर 35,500 के आसपास का यहाँ पर लेवल दिखाई देगा। तो यहाँ पर निफ्टी बैंक यहाँ पर बुलिशनेस यहाँ पर शो कर रहा है, जिस तरीके से यहाँ पर मिड कैप स्मॉल कैप शो कर रहे हैं इसी तरीके से ये भी यहाँ पर बुलिशनेस शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पर मेटल की, मेटल में आज आपने देखा होगा कि तेजी होती ही दिखाई दी, काफी सारे शेयर 5% 4% 6% भागते हुए नजर आए, बट मैं अभी भी यहाँ पर कन्वीनियंट नहीं हूँ। 3.97% की 180 पॉइंट की जंप देखी गई है, यहाँ पर कैंडल बनी हुई नजर आई, बट यहाँ पर अगर बात करूँ आज की क्लोजिंग जो हुई है ओके इस कैंडल के आसपास ही होती हुई नजर आई है, जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी कन्वीनियंट नहीं करती कि यहाँ पर चीजें भागती हुई नजर आएगी। तो हो सकता है यहाँ पर अगर मार्केट में ओवरऑल जंप आती है तो इसमें भी एक जंप आए, बट इसके लिए ये रेजिस्टेंस है 4,862 का, इसे टच करके दोबारा चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और अगर चीजें ऊपर जाती है और इस लेवल पे आती है तो एक बेचने का मौका मिलेगा, तो आप यहाँ पर बेच के निकल सकते हैं अपने मेटल के स्टॉक को, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये लेवल्स है सारे के सारे जो आपने यहाँ पर ध्यान देना, और सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 4,456 का अब यहाँ पर सपोर्ट बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा हम बात करेंगे दूसरे यहाँ पर सर्विस स्टॉक्स की, ऑटो, ऑटो में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार यहाँ पर एक गिरावट होती हुई दिखाई दी, यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप बनी है, स्पिनिंग टॉप जब भी मैं आप बताता हूँ अगर नीचे की तरफ यहाँ पर तोड़ देता है ये लेवल तो गिरावट होती हुई नजर आती है, बट ऊपर की तरफ किया है तो और ऊपर सक्सेसफुली होता हुआ दिखाई दिया है, तो यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है, एक तरीके से मारू बोझू ही बनती हुई दिखाई दे रही है, और अगर ये अपने हाई को यहाँ पर निकाल देता है तो यहाँ तक जा सकती है, और ये इसका रेजिस्टेंस है 11,300 का लेवल निकाल लेता है तो एक तेजी होती हुई दिखाई देगी जो 11,684 और भी यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई दे सकती है। तो निफ्टी ऑटो की तरफ ये अपना रुख रखिएगा, अदरवाइज यहाँ पर ऊपर जाके नीचे भी आ सकती है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। इसके अलावा हम बात करते हैं निफ्टी एफएमसीजी की, निफ्टी एफएमसीजी यहाँ पर आप देख सकते हैं बार बार कोशिश कर रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को क्रॉस किया था नीचे आया, और नीचे आने के बाद अब यहाँ पर हम बात करें तो चीजें अब यहाँ पर इस लेवल को जो इसका आज का हाई है ये रेजिस्टेंस है, डबल टॉप भी बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर देखिए एक टॉप और ये दूसरा टॉप, अगर यहाँ पर इसे क्रॉस कर देता है ये इसमें ब्रेकआउट कह सकते हैं एक तरीके से होगा, जो कि इसे 38,653 तक लेके जाएगा, 38,653 को भी निकाल देता है तो याद रखिए इसके लिए ये मेन है 39,361 को इसने निकाला, 39,361 के रेजिस्टेंस को निकाला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3 ट्रिपल टॉप होता हुआ नजर आएगा, और अगर इसने भी निकाल देता है एक तेजी होती हुई नजर आएगी जो 42,000 तक इसे सीधे लेके जा सकती है। तो एफएमसीजी में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अगर इस बार शेयर भागेंगे तो एफएमसीजी यहाँ पर लीड करता हुआ नजर आ सकता है बैंक के साथ में। अब बात करते हैं और भी यहाँ पर इंडेक्स की, यहाँ पर अगर हम बात करें फार्मा की बात कर लेते हैं, फार्मा यहाँ पर लगातार गिरावट हो रही थी, बहुत अच्छी खासी गिरावट हो गई, बट स्टिल मैं यहाँ पर कन्वीनियंट नहीं हूँ ओके, जब तक इस लेवल को नहीं निकाल लेता, इस लेवल 12,326 और 12,450 इस लेवल को निकाल लेता है तब जाके यहाँ पर तेजी होती हुई नजर आ सकती है, जो कि यहाँ पर इसके लिए रेजिस्टेंस होगा, अदरवाइज यहाँ से नीचे नीचे अगर गिरता है तो चीजें यहाँ पर आ सकती है 11,280 के आसपास चीजें आके यहाँ पर और भी यहाँ पर अपना लो बना सकती है, और उसके बाद ये राउंडिंग टॉप पूरा हो जाएगा तो शायद उसके बाद तेजी होती हुई नजर आएगी, क्यों, क्योंकि एक लंबा कंसोलिडेशन गिरावट के साथ यहाँ पर होता हुआ नजर आया। तो निफ्टी फार्मा में भागेंगे थोड़ा सा टाइम और ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर। अब बात कर लेते हैं निफ्टी एनर्जी, निफ्टी एनर्जी ने अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं, यहाँ पर देखिए इसने हाई बनाया, अब इसका हायर लोज बनते हुए नजर आएंगे, एक हायर लोज यहाँ बनाया
एक यहाँ बनाया शायद ऊपर जाके, अगर इस लेवल को निकाल देता है तो शायद चीजें ऊपर जाके फिर नीचे आए। तो एनर्जी में बुलिशनेस बिल्कुल मत दिखाइए अभी। चीजें ऑलरेडी यहाँ पर ओवर वैल्यू हो चुकी है, चीजें नीचे आने दीजिए। एनर्जी स्टॉक्स नीचे धीरे धीरे आ रहे हैं, अगर गिरता है और चीजें नीचे आती है तो याद रखिए शेयर अपने आप ही अच्छे खासे रिटर्न आपको तब देगा जब चीजें आप कम भाव पे लेंगे, और कम भाव पे कम मिलेगी जब ऊपर के लेवल पे नहीं फंसेंगे, नीचे के लेवल पे आ जाएगी। अब मैं इसके लिए पहले तो यही लेवल है, अगर नीचे गिरता है तो इसके लिए सपोर्ट सबसे पहला ये है। इसके बाद 22,884 और यहाँ पर नजर आता है 21,919 के आसपास के सपोर्ट, और इन लेवल को भी क्रॉस कर तोड़ देता है तो सीधे यहाँ पर 19,000 तक का लेवल यहाँ पर दिखा दे सकता है। तो यहाँ पर फ्यूचर में ये चीजें हो सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर वीडियो में सारी की सारी क्लियरिटी आपको दे दी है। कल की डेट में मार्केट में एक तेजी और हो सकती है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। और अपने लेवल्स को अगर निकालता है तो और भी तेजी यहाँ पर देखी जा सकती है। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें और जितना हो सके सीखने की कोशिश करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जितना हो सके प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।